अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर अमेजिंग व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुके हैं। एंड इतने दिन कहाँ गायब हुए, तकरीबन हमें 5 दिन हो गए व्लॉग ना बनाए। एंड आप लोग सोच रहे कि यार किधर चले गए थे, तो खैर अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा है तो आप लोगों को कि वो मेरे मुँह में जो खाला बना हुआ था एंड उसके नेक्स्ट डे ही मैं व्लॉग कर रहा था, लेकिन उस दिन आप लोग मेरे बाल भी कट चुके हैं, कटिंग हो चुकी है मेरी। एंड मैं व्लॉग बना रहा था, लेकिन उसके थोड़े बाद यह तो जो जख्म है मतलब तेज है मेरे दिल को कुछ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैं कहते हैं ना व्लॉग नहीं कर पाया। मैं मतलब बोल नहीं पा रहा था, मतलब कुछ खा पी नहीं रहा था। अगर खा पी भी रहा था सर बहुत तो तोरी से ही मसला चलता रहा, ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट डे मेरे होगी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, इतना भी लेकिन मतलब चीज ही नहीं करती, इतना दर्द था ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बच्चे स्कूल का स्कूल के बहाने में ना कि हमारे पेट में रहते हैं, उनसे उसका दर्द मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। इतना दर्द क्या बताऊँ, लेकिन यार वो एक दिन का दर्द था। एंड वो रात को जाकर ठीक हुआ, वरना मैं तो साढ़े से हेठा था उनका लास्ट ही जरा उपाई बहुत बहुत मुश्किल था वो मेरे लिए करना। एंड नेक्स्ट डे कल मतलब हमारी भी अच्छी ब्लॉग बना रहे हैं, मैंने कहा इतने दिन तो हो गया यार, तो छोटा तरीके अब था, मैंने कहा आपको बता दूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे यार कितने दिन तक ब्लॉग क्यों नहीं है। एंड माशाल्लाह हमारे पास आ चुका है एक चॉकलेट वाला केक, बहुत मज़ेदार है, सो फटाफट से खा लेते हैं बिना इसको इंतज़ार कराए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने के बाद अब टाइम आ चुका है कमरे को साफ करने का, लेकिन आज हम लोग सफाई जल्दी कर लेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने कल जिस दिन हमने व्लॉग नहीं बनाया है उस दिन हम लोगों ने बहुत ही जम के मतलब हमने अपने कमरे के हर कोने से जो सफाई कर ली है, अब वो कमरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो फटाफट से करते हैं, इंतज़ार किस बात का है। अच्छा तो खैर हम लोगों की फाइनली कमरे की कम्प्लीट सफाई हो चुकी है, बाहर से पता अच्छा लगी हुई है, बाहर से धोना को बने उसका काम था, बल्कि क्योंकि हम जब भी सफाई करते तो हम लोगों में ना एक टीम तरह लाइक मतलब काम का बढ़ देता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, दीवार कर देते काम ठीक हो गया। तो खैर वो कर दिए हम, आप भी सोच रहे हो शुरू में ट्रिप में है तो इंट्रो शुरू में से नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मुहर्रम चल रहे हैं एंड इसलिए थोड़ा मैं म्यूजिक से अवॉइड कर रहा हूँ। एंड इसलिए मैंने कोई इतना ना म्यूजिक म्यूजिक कई चीज़ में नहीं डाला है। एंड जैसे मुहर्रम है इंशाल्लाह मैं तो कुछ करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा, मतलब म्यूजिक सुनना भी होती है मैं सुनूँगा भी नहीं इंशाल्लाह। एंड लोग सिंपल रहेंगे, मुहर्रम का है तो महीना है, इसलिए थोड़ा उसका एहतराम करेंगे। एंड शायद अगर कोई प्लान बनता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा वो प्लान क्या है। अगर वो प्लान ओके ओके मतलब प्लान बन गया है तो फिर आपको बताएंगे कि वो क्या प्लान है। सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे बहुत ही बस ये 1000 सब्सक्राइबर मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर कमी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर जितने में रहते हैं तो आप देख सकते हो 100 सब्सक्राइबर होते मेरे, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। तो खैर जल्दी से सब्सक्राइब कर रहा है। एक और भी चीज़ आप लोगों से शेयर करने की, कुछ दिनों बाद मतलब खत्म हो चुकी है एंड स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अब मुहर्रम आ गए हैं तो उसकी भी छुट्टियाँ मिल जाएंगी। खैर अब जाते भी हैं कि नहीं क्या सुनने वाले हैं इसका भी नहीं पता। तकरीबन हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 मंथ घर में गुजार दिए हैं। और आप लोग जिसको देख कर आए हो, ये देखो यार घड़ी वाक़ ठीक हो चुकी है मेरी, टाइम के साथ आप लोग देख सकते हो फुल मैच हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे पानी को ठंडा करने, तो उसके लिए बर्फ़ में निकाल लेता हूँ फ्रीजर से, गर्मी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में ना। ये रही भाई साहब चलते ऊपर जल्दी से बर्फ डाल देते हैं कूलर के अंदर और पानी ठंडा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1:17 हो गए एंड अजान हो गई है सुबह की, और मैं जल्दी से नमाज पढ़ लेता हूँ, भाई साहब पढ़ नहीं रहा है। अच्छा तो खैर का एक सीन हो गया कि मैं कहते हैं वजू करने जा ही रहा था तो पीछे से पापा की आवाज़ आ गई कि फूफो वगैरह मेरे जो कज़न है उन्होंने बुला लिया, अब कोई काम वगैरह है यूट्यूब टाइप के इस तरह मोबाइल काम है, और जब ये इस तरह के काम होते ना तो मैं नंबर 1 पे आता हूँ, तो इसलिए उसके लिए जाना होगा। खैर नमाज वहाँ पर गई वहाँ पढ़ लूँ, उन्होंने कहा नमाज बाद में पढ़ लेना या फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ पढ़ लेना, तो देख देंगे सीन वाले। फिलहाल तो अभी जाना होगा इमीडिएटली। 2 घंटे के बाद हम लोगों की घर पे वापसी हो चुकी है एंड दोपहर के खाने का टाइम गुजर चुका है, लेकिन मैं अब खा रहा हूँ। खाने मज़ेदार एक चीज़ है जो कि किसी के हाथ मतलब आसन नहीं खाया, बाकी जिसकी तबीयत ख़राब है जैसा कुछ वो दिखाया था, बाकी हमारे सालन के साथ खा ली, पर हमने कुछ और ही चीज़ खानी है और खा भी रहा हूँ। ये देखो यार चिकन रोस्ट एंड सब, ये भी कुछ हैं चांपे हैं, ये सारा सब मेरा है, कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए इसके ऊपर सारा फिनिश करने वाला हूँ। ये सारा मेरा है,
कोई भी नहीं खाएगा, तो फटाफट दिखा देते फिर ऐसे इंतजार कराएंगे। 5:15 हो चुके हैं एंड काफ़ी देर से मैंने घर भी लिया सारा का सारा, तो खाएगा खाना। शाम हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि 5 बज चुके हैं एंड 6 बजे हो जाएगी अब इवनिंग। एंड अभी तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ यार, अभी थोड़े पहले यूट्यूब का काम ही कर रहा था और बहुत सारे थे काम ख़त्म ही नहीं थे मेरे यूट्यूब के यार, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत काम होता है यूट्यूब का, बहुत सारी वीडियोज़ के रिजल्ट चेक करता हूँ और भी कुछ सेटिंग्स वगैरह रह जाती हैं रोज़ के रोज़, तो उसे कम्प्लीट करता हूँ। एंड आज जो है ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह काम, बस अभी बाकी वीडियोज़ को चेक करता रहता हूँ। बस ये टाइम यहाँ पर हो रहा है 6:55 एंड जो दरीस है उसकी तबीयत आज ओ भाई गॉड यार, तू तो बहुत गर्म है, इसकी तबीयत लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आई कॉन्ट एक्सपेक्ट दिस कि इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट क्या पता है बंदे को। ओके गाइस, अभी जो है 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट टाइम, मतलब 9 बज चुके ऑलमोस्ट एंड 3 लोगों की तबीयत ख़राब हो चुकी है। पहले तो दरीस था, फिर मोहम्मद की, उनके पापा की हो गए, फिलहाल तीनों डॉक्टर के पास गए हैं, दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इतनी सारे घर पर आ चुके हैं एंड अदीस की तो कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो अब ये किसी को वापस डॉक्टर के पास वापस जाना है, इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि अदीस ने भी कुछ खाया नहीं हुआ था। मैं भी खा रहा हूँ फ्रूट चाट, बहुत सारा काम करने के बाद, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, मामा भी मारा है मेन बंदा, ठीक हो गया अदीस तो फिर ठीक है, अभी रेस्ट कर आराम से, हाँ बिल्कुल बेस्ट ठीक है, लेकिन जो मामा ने काम करवाया वो बता नहीं सकता यार, मतलब मामा ने कहा बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, काम करना है। आप लोगों को एक छोटी सी रेटेस नहीं देते दिल, जब आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखेंगे उसके अंदर एक मिस्टीरियस करेक्टर हमारे ब्लॉग के अंदर अब आने वाला है कुछ दिनों बाद, अगर मेरा दिल किया तो, क्योंकि वो मुझे तंग करने में पर्सनली बहुत आगे। खैर अभी ये बात ही बातें हैं, तो खैर इतना खाना के बाद जैसे फ्रूटेड मैंने खा ली, उसके बाद मैं खा लिया केक, पानी तो बनता है। साढ़े 10 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नहाने, और इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मेरा आज का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पता तो है मैं तकरीबन 6 या 5 बार तो बोल चुका हूँ कि मैं इसे सब्सक्राइब बढ़ने वाले हैं एंड आप लोग कर ही नहीं रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आई नीड जस्ट 100 सब्सक्राइबर एंड मैं कंप्लीट कर लूँगा 100 सब्सक्राइबर, तो फटाफट से 100 सब्सक्राइबर कर दो यार सब्सक्राइब करके। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह मेरे को नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।